हेलो एवरीवन, मैं हूं इश्तेखार और इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाली है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही आप बेल आइकन को दबा के ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर वन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर वन कहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? चार ऑप्शन है, बान की मून, यू थंत, कोफी अन्नान और बुतरस घाली। ये इनमें से बताना है कि सबसे पहला एशियाई महासचिव कौन थे। इसका डी ऑप्शन राइट, इसका जो है बी ऑप्शन राइट होगा, यू थंत। इसका यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति आपको बताना है, जो अभी रिसेंटली में है। तो रिसेंटली में तो है नहीं, वो तो जियो बाइडेन है जो कि अभी अमेरिका के राष्ट्रपति है, लेकिन यहाँ पर है नहीं ऑप्शन में, तो इसका डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। एम एस स्वामीनाथन का संबंध किससे है? चार ऑप्शन है, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, ऑपरेशन फ्लड से या हरित क्रांति। एम एस स्वामीनाथन, इसका संबंध था हरित क्रांति से। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सिक्किम भारत का सहवर्ती कब बना? सिक्किम भारत का सहवर्ती कब बना? ऑप्शन देखिए, चार ऑप्शन है, 1974, 1975, 1980, 1986। सिक्किम भारत का जो है सहवर्ती राज्य बना, ये बना था 1975 यानी कि 1957 को। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कहता है हमारा फाइव। क्वेश्चन फाइव है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष। ऑप्शन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। पदेन अध्यक्ष हमारा है प्रधानमंत्री, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य है? इन चार ऑप्शनों में से कौन सा देश सार्क में है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान और भारत। यहाँ पर सिक्स का हमारा डी ऑप्शन राइट होगा, भारत जो है सार्क का सदस्य। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी में भी नोट करके याद करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सबसे पहली महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का, चार ऑप्शन है, एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, ये ऑप्शन यहाँ आना चाहिए और ये यहाँ, ठीक है। और सी ऑप्शन है सोनिया गांधी, डी है इनमें से कोई नहीं। सबसे पहली महिला हमारा है एनी बेसेंट। कौन है महिला अध्यक्ष राष्ट्रपति, भारतीय राष्ट्रपति का कांग्रेस, ठीक है। इनका ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन है, 10 दिसंबर, 8 मार्च, 1 दिसंबर और 2 अक्टूबर। विश्व महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन एक देश नहीं है? ऑप्शन देखिए, म्यांमार, भारत, हांगकांग, चीन। अब देखो, ये चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन एक देश नहीं है। तो हांगकांग एक देश नहीं है, ठीक है। म्यांमार की राजधानी अभी नाइपिडा हो गया है, चेंज हो गया है बर्मा से। भारत की राजधानी नई दिल्ली, हांगकांग है ही नहीं देश, तो चीन का बीजिंग होता है। इसका सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है? सोवियत संघ का विखंडन का परिणाम कौन नहीं है? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, मध्य पूर्व में संकट। मध्य पूर्व में जो संकट होगा, ये जो है एक सोवियत संघ का विखंडन का परिणाम नहीं है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है, यूरो क्या है जी? देखो, यूरो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरो एक मुद्रा है, एक मुद्रा का नाम है यूरो, ठीक है। सबसे पहले देखो, सब में मुद्रा है, लेकिन ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन चार ऑप्शन है, सार्क देशों का मुद्रा, या यूरोपीय संघ के सदस्यों का मुद्रा, या पाकिस्तान की नई मुद्रा, या इनमें से कोई नहीं। तो यूरो जो है ये पाकिस्तान की नई मुद्रा है। इस क्वेश्चन का हमारा 1 मिनट, 1 मिनट।
यूरो, ये गलत है ठीक है, यहाँ पे सी होना चाहिए, सी ऑप्शन राइट होगा ठीक है। यूरो जो है यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा है ठीक है। पाकिस्तान में जो रुपया चलता है जी, तो ये कहाँ से हो सकता है, नई मुद्रा, तो यहाँ पर यूरो क्या है, तो सी ऑप्शन राइट होगा। देखो ऑप्शन चेंज हो चुका है, मैं एक बार फिर से मिटाता हूँ ठीक है, देखो ध्यान से। ओके यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, यहाँ पे चेंज हो गया है, यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन देखिए। ओके अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी, कौन सा देश है जो खुले द्वार की नीति अपनाई थी। चार ऑप्शन है, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान और चीन। इन चारों देशों में से कौन खुले द्वार की नीति अपनाई थी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, चीन ने ठीक है। क्या आंसर होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, कौन सी नीति, खुले द्वार की नीति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन सी समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में जो हस्ताक्षर हुआ था, जो साइन हुआ था, तो यहाँ पर हमारा शिमला समझौता, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। शिमला समझौता कब हुआ था, व्हेन वाज द शिमला समझौता, तो यहाँ पर हो सकता है सेटलमेंट 1972 में हुआ था, और किसके किसके बीच हुआ था, तो ये किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो इसमें सारा समझौता, परकर समझौता, लाहौर, दिल्ली, सबको याद करना है आपको ठीक है, सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक मानवाधिकार संगठन है, मानव अधिकार संगठन कौन है, इन चारों ऑप्शन में, इन चारों ऑप्शन में मानव अधिकार संगठन है हमारा बी ऑप्शन, एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये मानव अधिकार संगठन है। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन चेंज हो रहा है, लेकिन ए बी सी यहाँ पर होना चाहिए डी, तो आप कंफ्यूज मत करना ठीक है, मैं ऑप्शन के हिसाब से आप सिर्फ आंसर देखो। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, अभी वर्तमान में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, तो 15 का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 15 का सी ऑप्शन राइट होगा, बान की मून, बान की मून इसका सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय अवस्थित है, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय जी कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन, चार ऑप्शन है, जिनेवा में, पेरिस में, दिल्ली में, लंदन में, तो यहाँ पर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा हमारा ए, ये है जिनेवा में मुख्यालय, क्या विश्व श्रम संगठन, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, भारत एवं बांग्लादेश के बीच पर फरक्का समझौता, लो आ गया ना, अब देखो फरक्का समझौता से आपको क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा, लिखा क्यों नहीं रहा ठीक है, तो देखो फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था। अब फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर जो हुआ था ये हुआ था 1996 में, यानी कि 1996 में हुआ था, कौन सा समझौता, फरक्का समझौता ठीक है। अब देखो फरक्का समझौता जो हुआ था ये तो 1996 में हुआ था, किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, आपको याद रखना है, आपके आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा समझौता हुआ था, फरक्का समझौता, और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ये समझौता कब हुआ था, तो याद रखना 1996 ईस्वी को ये समझौता हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कहता है, 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1992 को हुआ था, और ये किस शहर में हुआ था, तो 18 का राइट आंसर हमारा ये ऑप्शन होगा, क्यूटो में हुआ था। अब ये जो वीडियो है ना बहुत हेल्पफुल आपके लिए, इनसे आपको दो दो सवाल मिल रहा, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, है ना, तो वर्ष 1992 में हुआ था, क्यूटो में, किस शहर में, क्यूटो में, ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस आंदोलन ने आंध्र क्षेत्र के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी, स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी, किस देश ने आंध्र क्षेत्र के लिए ठीक है। 19 का यानी 19 का करेक्ट आंसर भी होगा, तेलंगाना आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, यानी कि इसी आंदोलन में मांग की थी, इसका बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो कहता है क्वेश्चन नंबर 20, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कथन असत्य है, तो इन चारों में से हमारा जो असत्य कथन है ये कथन है बी ऑप्शन, इसके रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था, गलत है ठीक है, ये कथन क्या है, ये कथन असत्य है, असत्य मतलब गलत है, फॉल्स है ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी,
चार ऑप्शन है 1950, 1952, 1955, 1960। योजना आयोग की गठन की स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी को। इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए। अब फिर यहाँ पर आ गया समझौता से रिलेटेड, जो कि ये समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले देख लेता हूँ क्वेश्चन कर तो नहीं रहा, ठीक है। क्वेश्चन है भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर। देखो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, इसमें हम लोग जो है कम से कम हम लोग ये वाला समझौता लेकर के तीन समझौता हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो तीनों समझौता एक ही वीडियो में डिस्कस किया है, और ये तीनों में से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो आप लोगों ने पढ़ा था भारत और पाकिस्तान के बीच, बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से याद है। फिर भारत और बांग्लादेश के बीच, और फिर भारत और चीन के बीच पढ़ेंगे, जो कि भारत और चीन के बीच हुआ था पंचशील समझौता। अच्छा ये समझौता कब हुआ था? पंचशील समझौता 1954 ईस्वी को हुआ था। किसके किसके बीच? भारत और चीन के बीच हुआ था। आपको बहुत बारीकी तरीके से याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी बात पर आप एक लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। 1955 में किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था? 1955 में एफ्रो एशियाई सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था हमारा बांडुंग में, हुआ था बांडुंग में 1955 में एफ्रो एशियाई सम्मेलन। इसका बी ऑप्शन राइट होगा। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? चार ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण, सरदार पटेल। गरीबी हटाओ का नारा देने वाला व्यक्ति इंदिरा गांधी। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी है ना, तो देखो बीजेपी हो इसको बोलेंगे शॉर्टकट में, बहुजन समाज पार्टी। इसके संस्थापक कौन थे? चार ऑप्शन है, मायावती, अंबेडकर, कांसीराम, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, कांसीराम। इनके संस्थापक, बीजेपी के संस्थापक कांसीराम, इसका सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 26 नंबर सवाल, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतियों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है? यानी कि किस संविधान में, कौन से संविधान में पंचायतों में जो है महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है? चार ऑप्शन है, 42वां या 44वां या 65वां या 73वां। ये सारा संविधान है, यानी कि संविधान 42, संविधान 44, संविधान 65, संविधान 73। तो यहाँ पर 26 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, यानी 73वां संविधान में ये, मतलब ये आरक्षण प्रदान किया गया था महिलाओं को, ठीक है, पंचायतों में जो जो आरक्षण प्रदान किया गया था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा, 73वां संशोधन, 73वां में, ठीक है, यानी कि 73वां संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये 27 नंबर सवाल कहता है, 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी? 2001 को कौन सी घटना? देखो आपसे क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है। मैं जस्ट लाइक आपको समझ लो ये होमवर्क है, मैं होमवर्क क्या पूछ रहा हूँ, 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना हुई थी? तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओगे कि सर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका था, क्या इसमें रणनीति थी, कैसे कैसे मारा गया, कहाँ हुआ था ये घटना, कब हुआ, इनका मेन कौन था, ये सारा चीज आपको पता होगा, इसके बारे में डिटेल से लिख दोगे, ठीक है। जस्ट लाइक ये क्वेश्चन है कि 11 सितंबर 1901 को यानी कि इनमें से कौन सी घटना हुई थी। तो 2001 को होने वाली जो घटना है इनको हम जानते हैं जी, विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर यही घटना हुआ था 2001 को, ठीक है, 11 सितंबर, सी ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक कौन नहीं थे? इसका बी ऑप्शन राइट होगा, अराफात। ये एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की, ठीक है, इनके स्थापना करने वाला कौन है? तो देखो ध्यान से, यहाँ पर 29 का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन राइट होगा, बी आर अंबेडकर। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? बी आर अंबेडकर ने, इसका बी ऑप्शन राइट होगा। अच्छा अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? देखो ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था कब, यहाँ पर
करेक्ट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन, 1966 में हुआ था ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर। तो इस वीडियो में टोटल इतना ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ, उम्मीद है कि आपको ये सारा क्वेश्चन याद होगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को आपको याद करना है, ये सारा क्वेश्चन आपके लिए वीवीआई है अगर आप इस वर्ष एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में मैं इसका पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा, जिससे कि आप आसानी से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए दैट्स ऑल, बाय।